बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अयूपिक सिस्टम के बारे में। अयूपिक सिस्टम के अल्केन को किस तरह अयूपिक सिस्टम्स के थ्रू नेम दे सकते हैं। हम अल्केन को दो तरीक़ों से नेम दे सकते हैं। एक जो है कॉमन सिस्टम होती है और दूसरा अयूपिक सिस्टम है। तो हम अयूपिक सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। हम सबसे पहले कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सेलेक्ट करेंगे और उसको एज़ अ पेरेंट कंसिडर करेंगे, एज़ अ पेरेंट कंपाउंड उसको कंसिडर करेंगे। ये पहला रूल्स हैं कि हम ये हो गया हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेंज होती है वो हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है, दूसरा रूल्स ये है कि इसको हम नंबर देंगे, तो नंबर देंगे तो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होती है, और आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक हम इसको नंबर देंगे। तो ये हो गया, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो, जब अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो पोर आ जाती है, और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो वो दो नंबर पर आती है। तो दो जो है वो नज़दीक होती है, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, ये इसकी, यहाँ से हमने इसकी जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है यहाँ से हमने शुरू किया। रूल नंबर थ्री जो है वो ये है, रूल नंबर थ्री में के नेम द सब्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विद पोजीशन, अलॉन्ग विद इट्स पोजीशंस बाय इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच इट इज़ अटैच बिफोर द पेरेंट नेम। हम इसकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशंस होती है वो मेंशन करेंगे, और पेरेंट नेम से पहले उसकी जो पोजीशंस है वो हम मेंशन करेंगे। तो इसकी पोजीशंस है वो दो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो, और मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल। बाकी जो है ये पेंटेन है तो यहाँ पर पेंटेन लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे पेंटेन, देखिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो यहाँ पर हम पेंटेन लिखेंगे। ये हो गए थ्री रूल्स। इसकी रूल्स नंबर फोर जो है वो हमें बताती है कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होती है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हम इसकी नंबरिंग जो है वो यहाँ से करेंगे, न के यहाँ से, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है, तो हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया। इसकी जो पोजीशंस है वो हम मेंशन करेंगे और इसके नाम लिखेंगे, लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में हम लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास थ्री पे जो है ये इथाइल होती है, इथाइल है थ्री पे, और टू पे हमारे पास मिथाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री इथाइल, और ये लाजमी होती है, ये डैश जो है ये हम लिखेंगे, ठीक है। जब पोजीशंस आती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी एक
पोजीशन से सेम पोजीशन होती है, तो फिर मिसाल के इस तरह, तो हम वहाँ से ये कामा लिखेंगे। फिर अगर इस तरह नहीं होती तो ये आ जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये डैश, ठीक है। इंशाल्लाह एग्जांपल में आपको बताएंगे। टू मिथाइल पेंटेन, देखिए पेंटेन लिख दिया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो ये पेंटेन आ गया। ये हो गया पोर, रूल्स नंबर पोर। अभी रूल्स नंबर फाइव में है कि जब एक जब सेम सब्सटिट्यूएंट्स प्रेजेंट होती है एक से ज़्यादा, तो फिर हम लिखेंगे प्रीफिक्स में, हम लिखेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, ईडीसी, और ईडीसी वो हम लिखेंगे सब्सटिट्यूएंट के नेम से पहले और पोजीशन से, पोजीशन और सब्सटिट्यूएंट के नेम से पहले। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है, ये सेम सब्सटिट्यूएंट है और डिफरेंट पोजीशंस में है। देखिए मैं नंबरिंग देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया 5। ये एक साइड पे करनी होती है, दोनों साइड पे नहीं, ठीक है, 4, 5। तो सब्सटिट्यूएंट चूँकि यहाँ से नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ से मैंने नंबरिंग दी, और दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे है, एक दो पोजीशन पे है एक सब्सटिट्यूएंट, और दूसरा जो है वो 3 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे कामा 3, फिर लिखेंगे चूँकि दोनों सेम है तो हम प्रीफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा ये लिखेंगे, तो ये 2 है हमारे पास और 2 को डाई कहते हैं, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल पेंटेन। ये रूल्स नंबर 5 हो गया। अभी रूल्स नंबर 6 जो है हम लिखेंगे, जब दो सब्सटिट्यूएंट जो है वो सेम या डिफरेंट अटैच होती है सेम कार्बन्स एटम को, ठीक है, तो द नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम इज रिपीटेड। मैं आपको एग्जांपल्स लिख देता हूँ, दोनों जो है वो ए सेम पोजीशंस पे है और सेम है, सेम सब्सटिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे 3 डाई मिथाइल पेंटेन। रूल्स नंबर 7 जो है वो हमें बताती है कि जब रूल्स नंबर 7, व्हेन देयर आर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेंज, सेलेक्ट द चेंज विच कैरीज मोर सब्सटिट्यूएंट्स। यहाँ चूंकि हमने नंबर्स इन नहीं दी, सॉरी, इसके लिए 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे दोनों सेम होती है। 7 नंबर रूल्स, 7 रूल्स जो है वो हमें बताती है कि जब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेंज में चेन होती है और वन चेन से ज़्यादा होती है, तो हम सेलेक्ट द चेंज विच कैरीज मोर सब्सटिट्यूएंट्स। CH3
हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी जो पोजीशंस है वो 3 है और 2 है, तो हम लिखेंगे 3 फॉर इथाइल है और 2 फॉर जो है वो मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है। 3 पे 2 मिथाइल हेक्सेन। देखिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये हेक्सेन्स हो गए। यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू।